बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो सेकेंड ईयर का चैप्टर है, एक्सरसाइज है 3.4, क्वेश्चन नंबर 1 का जो नंबर 2 हम जो नंबर 7 पे हम कर रहे हैं। एम सवाल है और ये एम क्वेश्चन है, खासकर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। टेन इनवर्स एक्स डीएक्स, बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसमें इंटीग्रेशन मेथड प्रोडक्ट रूल लगाना है तो दो वैल्यूज होनी चाहिए। हमारे पास यहां सिंगल वैल्यू है, डबल वैल्यू बनाने के लिए हमने इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर किसी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो दोबारा वही वैल्यू आ जाती है। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज है तो शुरू करते हैं। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस ये डिफरेंशियल का साइन, ये जो इंटीग्रेशन है ये एज इट इज, ये डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट वैल्यू। अब बेटा 1 की इंटीग्रेशन है एक्स, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, टेन इनवर्स एक्स की डेरिवेशन होती है 1/1 प्लस वाली वैल्यू के ऊपर डेरिवेशन बन जाए। तो बेटा अगर गौर करें तो नीचे वाली वैल्यू की डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाने की कोशिश करें तो 1 की डेरिवेशन 0, एक्स स्क्वायर की 2x, तो बेटा इसकी डेरिवेशन बनती है 2x। हमने ऊपर क्या चीज बनानी है, हमने ऊपर 2x बनाना है। तो 2x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसकी डेरिवेशन ऊपर मौजूद है। अगर इसकी डेरिवेशन बेटा ऊपर मौजूद है तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर नीचे वाली वैल्यू के ऊपर डेरिवेशन है तो फार्मूला ये बन जाता है -1/2 log ऑफ नीचे वाली वैल्यू। ये बेटा हमारे पास हुआ था, तो यही चीज जो है, यही क्वेश्चन। अब इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे पास है जुज नंबर 10, जुज नंबर 10 देखें तो वो बेटा हमारे पास है एक्स टेन इनवर्स एक्स। अगर इसको बनाते जाए एक्स एक्स एक्स, ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर 2, एक्स स्क्वायर ओवर 2, एक्स स्क्वायर ओवर 2, 1/2 बाहर, ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब बेटा आप इस क्वेश्चन में जरा गौर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में नीचे और ऊपर x की पावर सेम है, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमने बेटा इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे लफ्जों में ऊपर जो x की पावर है वो ऑलवेज लेस होनी चाहिए
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये वैल्यू थी एक्स क्या, इसमें हमने क्या किया वन ऐड कर दिया और वन क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगर इस वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख लेता हूं, ये माइनस वन और टू इसको करें तो ये वैल्यू हमारे पास दे एक बन गई, ये बन गया वन प्लस एक्स क्या ओवर वन प्लस एक्स क्या डीएक्स। अब बेटा जरा देखिए वन ओवर टू को अगर मल्टीप्लाई अंदर करना है, ये माइनस है, इस माइनस की वजह से ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस वन ओवर टू और ये बनेगा वन प्लस एक्स ओवर डीएक्स। अब बेटा जरा और कीजिएगा, ये बनेगा हमारे पास एक्स क्या ओवर टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर टू, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, ये आ गया वन डी ऑफ एक्स प्लस वन ओवर टू। बेटा ये इंटीग्रेशन का हमने फार्मूला 3.2 में भी पढ़ा था, 3.3 में भी पढ़ा था, यानी 3.2 में आपने क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 2 पढ़ा था, 3.3 में आपने यही क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की सूरत में एट 2 और 3 की सूरत में पढ़ा था। तो बेटा ये फार्मूला हमारे पास बराबर है tan इनवर्स x के प्लस c, तो ये आ गया हमारे पास x क्या और ओवर 2 tan इनवर्स x। अगर चाहे तो आप इस वैल्यू को इसके साथ भी ला सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस ये जो वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस एक्स के।
इनटू डी ऑफ एक्स। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर रहे एक्स क्यूब ओवर थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर थ्री एक्स डी एक्स। अब बेटा जब इसको मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ये माइनस है ये इस माइनस को प्लस कर देगा प्लस वन ओवर थ्री एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं ये आ गया एक्स क्यूब ओवर थ्री टेन इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर थ्री। अब एक्स की इंटीग्रेशन इसी फॉर्मूले से इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं एक्स क्यूब ओवर टू प्लस। अब बड़ा ये ऑलरेडी क्वेश्चन हम पिछले सवाल में अटेम्प्ट कर चुके हैं कि हमने नीचे वाली वैल्यू के ऊपर डेरिवेशन बनाया तो नीचे वाली वैल्यू Thank you.